Good morning, my dear students. Today we will study page number 26 of lesson 3. The topic is let's write. And the question is add full to the words given in brackets and complete the sentences. तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें फुल ऐड करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स. तो हेल्प में फुल लगाएंगे तो हम हेल्पफुल बनेगा, ठीक है. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है मेक ए डैश ड्राइंग, तो मेक ए कलरफुल ड्राइंग, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है द पपी इज प्ले में फुल लगाएं, द पपी इज सो प्लेफुल. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन का मतलब हो गया कि हमें अपने फ्रेंड्स के लिए मददगार होना चाहिए. सेकंड में कि एक रंगीन ड्राइंग बनाओ. थर्ड है पप्पी इज सो प्लेफुल प्लेफुल, पप्पी जो है वो काफ़ी खेलने में उसे बहुत मज़ा आता है. उसके बाद है बी केयरफुल वाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, तो हमें रोड क्रॉस करने से पहले काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है ज्वाइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, लुक एट द एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पीस में पीस और एफ यू डबल एल फुल, पीस और फुल को मिला दिए तो क्या बना, पीसफुल, ठीक है. तो यहाँ पे एफ यू डबल एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो जब हमने इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एल लिखाएगा, ठीक है. तो पीसफुल का मतलब हो गया शांतिपूर्ण. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज प्ले प्लस फुल इज इक्वल टू प्लेफुल, ठीक है. प्लेफुल का मतलब होता है खेलने में जिसे काफ़ी मन लगे, प्लेफुल. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कलर प्लस फुल, तो क्या बन जाएगा, कलरफुल, ठीक है. कलर सी ओ एल ओ यू आर कलर एफ यू एल फुल, ठीक है. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है केयर प्लस फुल, तो क्या बन जाएगा, केयरफुल, मतलब जो सावधानी बरते. उसके बाद फिर होप प्लस फुल, तो होपफुल, होपफुल बन जाएगा एच ओ पी होप और एफ यू एल फुल होपफुल. होपफुल का मतलब हो गया जो आशावादी हो, ठीक है. उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको कॉपी में कर लेंगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा है, क्वेश्चन लिख दिया है एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. और इसमें हमने ब्लैंक्स में हेल्प में फुल लगाकर हेल्पफुल लिख दिया है. फिर सेकंड क्वेश्चन में कलर में फुल लगाकर कलरफुल लिख दिया है. थर्ड क्वेश्चन में प्ले में फुल लगाकर प्लेफुल लिख दिया है. और फोर्थ क्वेश्चन में केयर में फुल लगाकर केयरफुल लिख दिया है. और इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन बना लेंगे इस तरह से, जैसे पीस प्लस एफ यू डबल एल फुल इज इक्वल टू पीसफुल. और सेकेंड में प्ले प्लस फुल एफ यू डबल एल फुल, तो ये बन जाएगा प्लेफुल. कलर में फुल लगाकर कलरफुल, केयर में फुल लगाकर केयरफुल, होप में फुल लगाकर होपफुल. इस तरह से हम लोग वर्ड्स को ज्वाइन करके यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक्स में, ठीक है. देखिए ये आज आपका पेज नंबर 26 था, और इसको इस तरह से कॉपी में आप बना लेंगे और बनाकर रख लेंगे. आपका होमवर्क यही है, तो पेज नंबर 26 को आप इस तरह से इंग्लिश की कॉपी में जैसे मैंने बनाया है उसको बनाकर रख लेंगे. तो आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा घर में, ठीक है. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट.